मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में काफी सारे डिस्कशन कर चुके हैं, राइट। तो जो जो हमने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या डिस्कस कर लिया है हमने, एक तो हमने ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया वही कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और उसका कोई सॉल्यूशन दे रखा है, तो क्या वो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, यह भी हमने डिस्कस कर लिया है, राइट, कि भाई कि उसे सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट अब हमने जो बात करा कि भाई कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करी जाए, उसके ऊपर भी बात हो गई। फिर हमने बात करा कि भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, जिसमें कि पहला मेथड जो हमने बात किया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब वेरिएबल्स एक्स और वाई को अलग अलग कर दीजिए और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट। इस मेथड के ऊपर हमने वर्कआउट किया, तो मेरे ख्याल से आपने सारे वो मेथड और जो हमने लेक्चर दे रखा है वो काफी अच्छे से आपने कर लिया होगा। नहीं करा है तो जाके सबसे पहले उस लेक्चर को कीजिए, फिर यहां से आप स्टार्ट कीजिए, राइट। और जैसा कि मैं कहता ही रहता हूं कि डेफिनेटली लाइक करा कीजिए, कमेंट किया कीजिए और लोगों को हमारे बारे में बताते रहिए ताकि वो भी हमारे काम से बेनिफिट ले सकें। तो बढ़ते हैं आगे और अगले अब हम लोग कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और ये अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड था कि उसमें दिख रहा था कि हम लोग वेरिएबल्स को एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन कई दफे क्या होता है भाई कि एक्स और वाई को अलग अलग करना इतना आसान नहीं होता है, अलग अलग करना इतना आसान नहीं होता है। यदि अलग अलग नहीं करना आसान होता है तो जैसे कौन सा केस है, जैसे ये देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है पहले से कि dy by dx equals sin square x plus 3y plus 5, plus 5 बाहर है यहां पे, ये समझे कि ऐसा है, राइट, ये वाला। अब यहां पे आप x और y को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेक्निक लगाएंगे और वो टेक्निक अप्लाई करेंगे ऐसे जिससे कि हम लोग एक्स और वाई मतलब एक नए डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकें उस टेक्निक के थ्रू और उसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, राइट, ये पॉइंट है यहां पे। तो जब भी ऐसा हो कि डी वाई बाई डी एक्स एज ए फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो जाए, जैसे यहां पर देखिए एक्स प्लस थ्री वाई का एक तरह से ए एक्स एक्स और वाई का लिनियर, तो उस केस में इस टेक्निक को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई वो टेक्निक, आप सोच रहे क्या टेक्निक है यहां पे, तो टेक्निक ये है कि एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कोई टी ले लीजिए, एक नया वेरिएबल, मतलब एक्स प्लस थ्री वाई को आप यहां पे टी लेके काम कर लीजिए और एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यही करते हैं कि एक्स प्लस थ्री वाई को टी ले लेंगे, प्रोसीजर समझिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी ले लेना है, यदि dy by dx as a function of ax plus by plus c है तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x plus 3y को मैं t ले लेता हूं, x plus 3y को t ले लिया। अब जैसा कि dy by dx दे रखा है तो इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैं dy by dx निकालूंगा और यहां प्लेस कर दूंगा, तो करते हैं भाई, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 1 plus 3 dy by dx will be equal to dt by dx, ये हो गया जी। अब dy by dx यहां पे है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इस जगह से 3 dy by dx will be equal to dt by dx minus 1, कर दिया जी, और 3 को फिर बाद में यहां से ऐसे करके 1 by 3 लिख दिया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंप्लीफाइड है चीजें, सिंप्लीफाइड बात हो रही है यहां पे, तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे करना है इस बात को। तो कहने का मतलब है कि x plus 3y को आपने t ले लिया, फिर x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया और dy by dx निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ dt by dx, और फिर इसके बाद यहां पे dy by dx को मैं ये लिख देता हूं, तो इससे फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, देखना आप, इससे बहुत बढ़िया फायदा होगा, देखिएगा आप यहां पे, राइट। तो यहां पे क्या है कि ये वाली बात को मैं यहां लिख देता हूं, तो ये वाला ये जो है dy by dx जो इसके इक्वल है यहां लिख देते हैं, तो ये आ गया 1 by 3 dt by dx minus 1 will be equal to sin square t plus 5, ये हमने लिख दिया, राइट, क्योंकि x plus 3y किसके इक्वल है यहां पे t के है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं 3 को उधर ले जाता हूं, तो dt by dx minus 1 will be equal to 3 sin square t plus 15, और 1 उधर लेके जाते हैं तो 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, तो dt by dx will be equal to 3 sin square t plus 16, ये आ गया। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ गया नया डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने बना लिया t और x के टर्म में,
राइट। अब यहां पे देखिए सीधी सी बात है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे टर्म को मैं नीचे ले जा सकता हूं डीटी के साथ और डीएक्स को ऊपर ले जा सकता हूं और इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड, हमारा काम बन जाएगा राइट। ये पॉइंट है यहां पे। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को यहां पे प्रोसीड करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल में जो है रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब ये जो है जो इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है उसको पहले हमने रिड्यूस करना है। और जब भी ऐसा हो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि dy by dx एज ए फंक्शन ऑफ ax plus by plus c हो, तो उस केस में टेक्निक ये कि ax plus by plus c equal to t लीजिए आप, और फिर वो एक नया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए t और x का। अब फिर वो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा और फिर वहां पे इंटीग्रेट करके t और x का हम लोग ले लेंगे रिलेशन, तो फाइंड आउट कर लेंगे t एज ए फंक्शन ऑफ x और t की जगह लास्ट में x प्लस 3y प्लेस कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है राइट। तो बढ़ते हैं आगे और इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां तक तो हो ही गया, तो इसको मैं हटा देता हूं और इसको मैं लिखूंगा आप dt by dx को लिख देता हूं, dt by dx will be equal to 3 sin square t plus 16 राइट। जिसको मैं लिख सकता हूं, यहां पे समझ रहे होंगे आप बात को, इसको मैं लिख सकता हूं dt divided by 3 sin square t plus 16 equal to dx राइट। ये लिख दिया और इंटीग्रेट बोथ साइड, हमने इंटीग्रेट कर दिया। dx का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि x होता है। अब इसको 3 sin square t plus 16 को आप एक्चुअली यहां पे इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का बेसिक तरीका यहां पे हम लोग समझेंगे बात को। हमें ये पता है कि ऊपर नीचे आप यहां पे sec square t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, sec square t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये tan में आ जाए, या हम लोग कहें ये cos square t से ऊपर नीचे मतलब यहां पे डिवाइड कर देते हैं तो बात एक ही पड़ेगी। तो मैं इसको अब लिख देता हूं, इसको मैं अलग से इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। लेट्स से दिस इंटीग्रेशन i1 और हमने ऊपर नीचे sec square t राइट डिवाइडेड बाय 3 sin square t into sec square t, समझिए sin square t into sec square t, sec square t हो गया cos square t 1 by cos square t, तो ये हो जाएगा 3 tan square t होगा ही होना है बताइए यहां पे, प्लस 16 sec square t dt राइट। ये वाली बात आ गई यहां पे, समझिए बात को, समझिए यहां पे ऊपर नीचे यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec square t से, तो ये हो गया न्यूमरेटर में sec square t, डिनोमिनेटर में 3 sin square t sec square t plus 16 sec square t, और sin square t sec square t will be 10 square t और ये 16 sec square t, sec square t को यहां पे अब लिखिए यहां पे sec square t minus 10 square t equal to 1 से, तो sec square t will be written as 1 plus 10 square t, तो इसको हम लोग वो लिखेंगे यहां पे, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, sec square t will be equal to 3 tan square t into plus 16 into sec square t को क्या लिखना है 1 plus 10 square t, तो 16 plus 16 tan square t, ये लिख दिया आपने dt, now it will be equal to, समझिए बात को, इसको हम लोग जो आगे लिखेंगे, अब यहां पे देखिए यहां तक तो आ गया। अब 3 tan square t plus 16 tan square t क्या होता है 19 tan square t, तो this one will be 19 tan square t। अब last में tan t equal to z place करके हम लोग इसे integrate कर देंगे, last में tan t equal to z place करके integrate कर देंगे right, ये procedure रहेगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे करना है, तो ये वाली बात यहाँ पे, तो हम लोग अब इसी को integrate करने जा रहे हैं by placing tan t equal to z, यहीं पे डाल देता हूँ tan t equal to z, tan t equal to z ले लीजिए यहाँ पे, तो sec square t dt equal to आपका dz हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ठीक से नहीं आ रहा था तो इसलिए हमने उसे ठीक कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे tan t equal to z आपने प्लेस किया, तो sec square t dt equal to dz हो गया, हुआ या नहीं हो बताइए, तो sec square t dt will be equal to dz हो गया जी। यहाँ पे tan t की जगह z प्लेस करेंगे, that means this integral i1 will be equal to, सिंपल सी बात है, this i1 will be equal to integral over राइट, इंटीग्रल ओवर डी जेड डिवाइडेड बाय 3 जेड स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर विच विल गिव 19 जेड स्क्वायर प्लस 16 राइट। यही तो होगा यहां पे, यही तो हमें इंटीग्रेट करना है, इसी को तो हमें इंटीग्रेट करना है
तो ये पॉइंट है यहाँ पे कि दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू dz बाय 19z स्क्वायर प्लस 16। ना इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो आपको पता ही है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको पता है कि भाई कि 1 अपॉन x स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, होता ही नहीं होता है बताइए। पॉइंट यहां पे ये है तो इसी को ध्यान में रखते हुए काम कर लेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं, फाइनली यही है। तो इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते करते फाइनली हमारा जो ये इंटीग्रेशन आई वन आ गया था, दिस आई वन जो ये वाला इंटीग्रेशन आई वन था, इट विल कम आउट यहां पे डी जेड डिवाइडेड बाय 16 प्लस 19 जेड स्क्वायर, जहां पे जेड की वैल्यू 10t के इक्वल है, राइट। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे हमारा 10t के इक्वल है, पता ही आपको जेड इक्वल टू 10t, राइट, जेड इक्वल टू 10t था। अब इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, मेन बात ये, जिसके लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, होता ही नहीं होता बताइए यहाँ पे। तो उसी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब हमारा पर्पस है इसे इंटीग्रेट करना भाई, कि इसके लिए क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको पता ही कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं एक और नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे तो भाई कि ये वाला फॉर्मूला है आपका, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सम कॉन्स्टेंट, राइट, ये होता है। लेकिन यदि आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो डी एक्स, राइट, तो उस केस में आएगा ये 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स, समझिए बात को, बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी आएगा। ये वाला ध्यान दीजिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है डेट विल कम आउट 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी एक्स बाई ए। देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका है ये इंटीग्रेशन में, दिस वन विल बी इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, राइट, प्लस देखिए यहाँ पे ए, यहाँ 4 के इक्वल है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट वन 19 इंटू जेड का होल स्क्वायर, राइट, ये लिख दिया मैंने। तो देखिए बिल्कुल वही है, बी की वैल्यू रूट 19 है, ए की वैल्यू 4 के इक्वल है। तो यूजिंग दिस डायरेक्ट वन दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, यूजिंग दिस डायरेक्ट कॉन्सेप्ट इसका, तो ये इसके जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे ए की जगह 4 प्लेस कीजिए, बी की जगह रूट 19, तो 4 इंटू रूट 19 टेन इनवर्स रूट 19 जेड डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये आएगा। आप समझ रहे हैं बात को, कि इसको मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, मैंने आपको एक नया फॉर्मूला बताया है कि कैसे करेंगे यहाँ पे, कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इट विल कम आउट सिंपली 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स बी एक्स बाय ए प्लस सी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, जब भी यहाँ पे ये वाला टर्म जो है ना लीनियर हो, तो जो एक्स का कोफिशियंट होता है वो इसमें डिवाइड हो जाता है, तो इसी के x के कोफिशियंट को हमने ये पूरा जो है b से डिवाइड हो गया, दैट्स व्हाई इट विल कम आउट 1 अपॉन ab tan इनवर्स bx by a, राइट, तो इसलिए इसकी इंटीग्रेशन ये आ गई है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो अब हमारा ये हो गया भाई, अब हम लोग इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो दिस इंटीग्रेशन विल कम आउट 1 अपॉन 4 रूट 19 tan इनवर्स रूट 19 और z की जगह पे tan t प्लेस कीजिए इंटू tan t डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू x प्लस c, राइट, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, c डैश ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इधर c एक नया कांस्टेंट मैंने बना दिया, इसको c डैश आप ले लीजिए। तो ये हो गया आपका जो है इसका सॉल्यूशन, राइट। अब बात आती है कि t किसके इक्वल लिया था, तो t था हमारा x प्लस 3y, तो फाइनली हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन 4 रूट 19, मतलब ये लिख दिया tan इनवर्स रूट 19 tan t की जगह पे यहां पे आ जाएगा x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू x प्लस c, ये आपका आएगा, राइट। तो दिस वन इज द बेसिकली फाइनल, एक तरह से हमारा ये सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया ये आपका आएगा, राइट, ये वाला आएगा 1.4 इंटू रूट 19 टेन इनवर्स, ये आपका है, इस तरह से रख देते हैं रूट 19 इंटू
tan x plus 3y divided by 4 equal to x plus c, right? ये पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, जिसमें कि हमने क्या किया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली नहीं है, उसमें हम लोग कुछ बात सब्स्टिट्यूट करके उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे यहां पे करा गया है, राइट। तो अब टेक्निक आप ध्यान में रखिए, जब भी ऐसा हो dy by dx will be equal to f of ax plus by plus c, put ax plus by plus c equal to t, इससे क्या होगा कि आपका वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन गो थ्रू द बेसिकली कि भाई कि एक वेरिएबल को एक तरफ कर दिया, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ कर दिया, देन गो थ्रू द इंटीग्रेशन प्रोसेस एंड गेट द सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बाकी बढ़ते आगे कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। अब अगले प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। अब यहाँ पे वही बात आती है कि यहाँ पे आसानी से x और y को सेपरेट कर नहीं सकते हैं। जब आसानी से एक्स वाई एक्स एंड वाई को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो और ये डी वाई बाई डी एक्स एक तरह से फंक्शन ऑफ वही दिख रहा है आपको, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दिस वन इज बेसिकली एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी प्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो प्लेस कर देते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, राइट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू आप टी प्लेस कर देंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू टी प्लेस करने का इसको y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, ये dy by dx आ गया। तो 1 प्लस dy by dx विल बी इक्वल टू dt by dx। dy by dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dt by dx माइनस 1। तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं dt by dx माइनस 1, राइट। इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, आ गया आपका ये, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ पे t के इक्वल है। अब यहाँ पे लिखेंगे भाई कि dt टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1, हेंस ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आपका आ गया। अब एक जैसे वेरिएबल को आप एक तरफ कर दीजिए, वर्किंग कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स एंड इंटीग्रेट बोथ साइड। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपको पता है कि dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए मेन बात है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड देन गो थ्रू द इंटीग्रल प्रोसेस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, पहले ही कर दिया जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अब देखिए यहाँ पे, अब ये दो इंटीग्रल बन जाएगा, वन अपॉन ये क्या बनेगा, वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, अब वन डी टी माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, अब वन इंटू डी टी का इंटीग्रेशन मतलब डी टी हो गया, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा टेन इनवर्स टी बाई ए इंटू वन बाई ए, मतलब 1 बाई ए टेन इनवर्स t बाई ए, राइट। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे और t की जगह पे फाइनल वैल्यू मैं x प्लस वाई प्लेस कर दूंगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक आप भी कैलकुलेट कीजिए, राइट। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको यहां से हटा दिया जाए, आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, राइट। तो अब तक हमने जो इंटीग्रेट कर लिया था, आपने देख लिया था ये कैसे करना है इंटीग्रेशन, तो उसी इंटीग्रेशन प्रोसेस को मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे कर लेंगे, आप खुद भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वन माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसको दो पार्ट में हमने बांट दिया, डी टी माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। डी टी का इंटीग्रल टी हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, इट विल गिव, फिर से वही बात है, वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, तो इट विल बी इक्वल टू टी माइनस ए स्क्वायर इंटू वन बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए विल बी इक्वल टू एक्स प्लस सी, आएगा नहीं आएगा बताइए। तो ये एक ए एक ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली रह जाएगा टी माइनस ए टेन इनवर्स टी बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी, टी की जगह पे प्लेस करेंगे आप एक्स प्लस वाई, तो फाइनली जो आपका सॉल्यूशन बनेगा डूइंग ऑल द थिंग, टी की जगह पे मैं यहाँ पे टी की जगह पे कितना प्लेस करूँ एक्स प्लस वाई, मैंने एक्स प्लस वाई प्लेस कर दिया, राइट। माइनस ए
तो माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर बाई ए इट विल गिव ए, तो ए आ गया। टेन इनवर्स टी बाई ए, तो टी की जगह पे एक्स प्लस वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए इक्वल टू यहां पे आ जाएगा एक्स प्लस सी, राइट। तो दिस वन इज द बेसिकली फाइनली सॉल्यूशन, दिस वन इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्रोसीजर फिर से वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था भाई, कि जो आपका dy by dx equal to f of ax plus by plus c का फॉर्म यदि रहे, तो ax plus by plus c को t ले लीजिए, t लेने के बाद फिर यहाँ पे dy by dx को आप dt by dx के टर्म में लिखिए, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो कि बड़े आसानी से उसमें वेरिएबल सेपरेबल का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब टी वाले टर्म को एक तरफ रखना, एक्स वाले टर्म को एक तरफ रखना, फिर इंटीग्रेट करना, ये बेसिक प्रोसीजर रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने दो प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मेरे ख्याल से आपको अप्रोच तो पक्की बात है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्किंग करनी है। तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए, कमेंट्स लिखिए, एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोब एस सी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं, और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोब सॉल्यूशन है, जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोब के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एस सी वर्मा के मिल जाएंगे। जेई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका ही पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा, जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और आईआईटी जेई दो है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का, इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमने हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपके जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है, और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI ट्रिपल एनालिसिस, मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योरसेल्फ,
फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के। इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपनी साइट पे, वहाँ पे जाकर के देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जाकर के स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे, उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले कुछ सेशन में, जिसमें भी इसी तरह से हम लोग JEE मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।